फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लगभग एक हफ्ते के बाद ब्लॉग शूट कर रहे हैं और बुग्गू मेरा हमको बहुत परेशान करता है, हमको वीडियोस बनाने नहीं देता है और फिर मेरा मोबाइल लेके भाग जाता है और पता नहीं क्या क्या करता है। जब भी मोबाइल में मतलब वीडियो एडिटिंग करने बैठेंगे या फिर कुछ भी अपलोड करने बैठेंगे तो बहुत बदमाशी करता है। करते हो ना बदमाशी? नहीं करते हो? अच्छा, पहले हाय बोलो। हाय। हाय। तो बहुत बारिश हुआ था ना यहाँ पे? हाँ। तो बताओ, तुम बारिश में स्नान किए थे? नहीं, नहीं किए थे। तुम और भैया तो बारिश में स्नान किए थे? हाँ, स्नान किए थे। अच्छा लगा था? हाँ? मजा आया था स्नान करके? यम्मी नहा लिया। नहाना भी कहीं यम्मी होता है क्या? तो बाबू लोग बहुत बारिश में मस्ती किया और जैसे कि साइक्लोन आया हुआ था पूरा कलकत्ता से उठा और इधर में भी भाई आ गया और अभी भी बारिश के जैसा ही मौसम है। तो हम आपको बाहर लेके चलते हैं। अब भाई मेरा घर का तो पूरा एकदम सत्यानाश ही हो गया बारिश में। पूरा ये देखिए, बारिश की वजह से कितना गंदा हो रखा है। पूरा बारिश में ये हो गया, इसमें तो पूरा पानी ही भर गया। इसको निकालना पड़ेगा भाई, कुछ एक्स्ट्रा ही पानी हो गया, बहुत ज़्यादा पानी। इतना पानी प्लांट में रहना नहीं चाहिए। हाँ, तो ये सब में पानी बहुत एक्स्ट्रा हो गया, जो जो निकलने वाला था निकल गया। और हम लौकी भी नहीं तोड़े बारिश की वजह से, पता नहीं वो ख़राब हो गया नहीं क्या हो गया। एक तो लेके गए थे दो दिन पहले और बाकी दो दिन से कंटिन्यू बारिश दे रहा है। तो ये रहा लौकी, यहाँ पे भी इसको भी कटिंग करना है हमको। और भी बहुत लौकी है इधर में, छोटा है, पहले से बहुत कम आने लगा है। पहले तो बहुत बहुत लौकी आता था, इतना होता था कि मतलब लोगों को देना पड़ता था। और अभी भी देखिए मौसम कैसा है, पूरा वेदर ख़राब है, पूरा बारिश के जैसा मौसम है। कभी भी बारिश दे सकता है तो हम ऐसा करेंगे, दो लौकी है उसको पहले काट के ले आते, नहीं तो मौसम ख़राब कर देगा ना, तब तो फिर हम लौकी कटिंग नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम चाकू लेके आते हैं। और हमारा तो भाई नाश्ता बन गया और हमारे पति देव चले गए खा पी के, और बाबू भी बड़ा वाला स्कूल चला गया। सुबह उठे थे 6 बजे भाई, मेरा आँख खुद से नहीं खुलता है। मेरे हस्बैंड जी रोज़ हमको मॉर्निंग में उठाते, मेरा आँख खुद से नहीं खुलता। हम वो उठाएंगे तभी हम उठेंगे, फिर उठने के बाद हम सारा काम करेंगे, ऐसा करके काम चलता है। और लौकी पहले कटिंग कर लेते हैं। कोई भाई कैमरा पकड़ने के लिए नहीं है तो क्या करें, लौकी को कैसे काटे। एक मिनट, लौकी पहले कटिंग कर लें। तो ये देखिए लौकी कटिंग हो गया मेरा, फिर एक और लौकी कटिंग करना है भाई, काट लेते हैं उसको भी पहले। इसको रख देते हैं यहाँ टेबल पे रख देते हैं। हाँ, वो तो उस बारे में उधर से लाना पड़ेगा। और फ्रेंड आप लोग कैसे हैं? और आप लोग के भी इधर भी भारी बारिश हुआ क्या? ये तो साइक्लोन का बारिश था। तो ये भी देखिए काम करवा के इधर में रख दिया, ये भाई मिट्टी कोड़ने के भाई मेरा बहुत ज़्यादा काम देता है, इससे मेरा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, खंती बोलते हैं, खंती। खंती जो है ना बहुत यूज़ माई की, काट लिया चिपकली था, इस पर हम पटक दिए, हमारे पीठ पे गिरा। ऐसे किस साइड गिरा? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड चिपकली गिरने से क्या होता है आप लोग कमेंट में बताइएगा, ऐसे पता नहीं होता क्या है, मुझे नहीं पता, लेकिन लोग बोलते हैं तो हम भी मान लेते हैं, चलो कुछ तो होता ही होगा शायद। और इधर का भी स्थिति बहुत बारिश की वजह से गंदा हो रखा है। दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद इधर हम आए हुए हैं। ये देख लो कैसा हालत है, ऐसा कुछ कुछ डंटा वंटा भी हवा में गिर गया है। और ये मेरा पपीता सब भाई बहुत हेल्दी हो रहा है, वक्त के साथ हेल्दी हो रहा है। ये खाद बनने दिए थे वो भी हवा में उजड़ गया। आ रहे बेटा आ रहे, और हाँ बाबू आ रहे आ रहे। मेरा भिंडी सब भी थोड़ा इधर उधर हो गया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पीस ही बचा है, इतना ज़्यादा लगाने के बाद 8 ही बचा है। आजा आजा आ, नहीं नहीं आ रहे आ रहे, रुक जा 2 मिनट रुक जा। क्या हो गया? कुछ नहीं बेटा, लौकी लेने आए, थोड़ा रुक जा
लौकी लेके आ रहे हैं। तो इधर भी लौकी बड़ा ही हो गया, इसको भी कटिंग कर लेते हैं। और हमको नहीं लगता अभी इस बारिश में लौकी होने वाला है, क्योंकि अभी मई का मंथ चल रहा है। आप लोग बताइएगा क्या लौकी मतलब अभी भी हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर नहीं होगा तो हम इसको हटा देंगे, तो फिर कुछ और प्लांट लगाएंगे। ऐसे मेरे पापा को ज़्यादा पता होता है। अभी फ़िलहाल हम मतलब इसको कटिंग करके निकाल लेते हैं। आ रहे बेटा, आ रहे, आ रहे, आ रहे भाई, आ रहे, रुक जा, आ रहे। तो फाइनली ये लौकी कट गया मेरा। अभी हम चाहते हैं घर, और ये घर तो बहुत ही भीजा है। ये देखिए पोई का पत्ता बहुत बड़ा हो गया, किसी को दे देंगे, कितना खाएगा आदमी भाई। अकेले अकेले इतना खाना पॉसिबल नहीं है। और चलो चलो, क्या गिर गया, चलो उधर पीछे चलो, पीछे चलो, पीछे चलो। अच्छा 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 ठीक है। ये देख, ये महाशय मेरे पीछे पीछे घूमते रहे। अच्छा जाने दो, अब गिर गया, गिर गया, वो नली में चला गया, नहीं उठाएंगे अब हम नली से। आ जाओ, गंदा हो गया, अब गंदा वाला नहीं लेंगे हम। आ जाओ, क्या करना है, लेना है। तो तुम गिराए क्यों, तुम गिराए क्यों बताओ, तुम ही गिराए ना। तुमको बोल रहे थे कोई उधर जाने के लिए, नहीं ना मम्मा। अच्छा मछली जल की रानी सुना दो एक बार, बोलो मछली जल। नहीं खेलना है खिलौना से। अच्छा आ जाओ अंदर, आ जाओ, छोड़ो। तो अभी भी बारिश का मौसम कर रखा है। गुच्छा हो गया है मेरा बाबू, गुच्छा हो गया। अच्छा आ जाओ, हम प्यार कर दे। आ जाओ, तो ये देखे ये दो दो लौकी भाई मेरा कट के आ गया, कट के नहीं आया, मैंने कट के लाया। ये देखो इधर से दिखेगा साफ। बाबू क्या है, क्या है, कद्दू है ना, कद्दू है। कौन लेके आई है, मम्मा। बाबू लोग स्कूल गया, सारा सामान कद्दू कद्दू है, कद्दू कद्दू है। अरे बाबू जा रही जा, बच गया कद्दू, गिर गया कद्दू, कोई बात नहीं, उठा लो उठा लो, कोई बात नहीं, उठ पाएगा तुमसे, उठ गया। अरे मेरा बच्चा गया। कद्दू को जब चेक करते हैं ना कि खिंचा है कि नहीं है, ये जब नेल अंदर चला जाए तो ये थोड़ा हार्ड हो रहा था, मतलब ये अब टाइट हो रहा था। अभी हाइट मतलब पहले बहुत बड़ा बड़ा लौकी होता था, और जैसे जैसे पुराना हो रहा है ना प्लांट, हमको लगता है लौकी का साइज छोटा होता जा रहा है। बीबी दो लौकी है, एक देखिए वहाँ पे भी है, पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा। हाँ गुस्सा हो गए हो बाबू, मेरा बहुत गुस्सा होता है, बहुत गुस्सा होता है, हर वक्त गुस्सा। मामा गुच्छा, मामा गुच्छा, इधर फैन ऑन करके बाबू गुच्छा से भाग गया है। हाँ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। तो फ्रेंड आज हम बनाए भी हैं लौकी की सब्जी और रोटी बनाए हैं। लौकी लौकी को कुकर में ऐसा मतलब बॉईल करके सांभर के जैसा बनाया है, बहुत टेस्टी बनाया है। उसके पापा नाश्ता करके चले गए, बहुत हैप्पी हैप्पी। अरे भाई ऐसे क्यों कर रहे हो, थोड़ा अच्छे से बताओ। अब ये है गोदी लगने बच्चा, जो गोदी में रहता है एनी टाइम, प्यार करता रहता है मम्मा। चलो इधर इधर में रख के बात करते हो, ओके। हाँ ठीक है ठीक है, यहाँ से। तो ये है मेरा गोदी लगू बच्चा, ये एनी टाइम मम्मा को प्यार करता रहता है, मम्मा को पीछा नहीं छोड़ता, टाइट करके दाब देती है। तो बोल बोला हाय, ओ मम्मा को बहुत प्यार करता है, करता है ना प्यार बाबू। हाँ हाँ कैसे प्यार करते हो, एक बार अच्छे से किसी दे दो, अच्छे से किसी दे दो। अरे मेरा बच्चा ये बहुत प्यार करता है। और कल हम इन लोगों को, कल बारिश बहुत ज़्यादा हुआ था तो पूरा दिन बिजली नहीं, नेटवर्क नहीं, कुछ भी नहीं मिला, और किसी से फ़ोन पे बात भी नहीं हुआ, और तो और ये पूरा दिन लाइट नहीं था घर में, और मेरा इन्वर्टर भी डिस्चार्ज हो गया था। तो तुम इधर बैठो, पहले इधर बैठो, फिर तो हम तुमसे बात नहीं करेंगे, जहाँ मोबाइल ही उठा लेते जा। तो हम सोचे बच्चों को पूरा दिन क्यों, फिर बदमाश, चलो बात तो करने दो। सोचे पूरा दिन क्यों बंद करके रखे, इन लोगों को थोड़ा घुमा देते हैं। तो हम ले गए बाहर घुमाने के लिए, तो बारिश का जो पानी जमा हुआ था सड़क में पूरा, उसमें एक जगह बहुत काफ़ी फट पीट देंगे तब हम। ओ
तो बाबू हो गया गुस्सा, बाबू को हम डांट दिए, इसीलिए तेरा चाचे पिट्टू भी कर। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, मम्मा नहीं डांटेगी। सुना ना, मम्मा नहीं डांटेगी भाई, बात तो समझो ना, मम्मा नहीं डांटेगी, ठीक है ना? मम्मा नहीं डांटेगी ना, मम्मा नहीं डांटेगी, ओके? मम्मा प्यार की ना बाबू को, प्यार की ना? हाँ, तो बाबू अभी नीचे बैठ गए। तो ये लोग बारिश में बहुत पानी में डूब डूब के एकदम छपक 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 मछली गई पानी में, चपक चपक, तो वही कर रहा था, छपक छपक मछली गई पानी में, चपक चपक। तो ये लोग बहुत छपक छपक किया, और हम लोग मतलब बहुत हम गुस्सा हो गए कि क्यों पानी में गया, बहुत गंदा पानी है, बारिश का जमा हुआ पानी है, मत जाओ। और लाने के बाद पूरा वो कपड़ा वपड़ा धुल के पूरा इन लोगों को भी वॉश करके बैठा है, बोले अपन लोग को बाहर नहीं लेके जाएंगे, ऐसा वैसा बहुत डांटने के बाद फिर ये तो बहुत गुस्सा हो गया, फिर मान गया बाद में। तो यही सब हुआ दो दिन में, और बारिश की वजह से, अरे बाबा पाँव में दर्द हो गया, उठने तो दो। अबे मेरा पाँव में दर्द हो गया भाई, तुमको गोद में लेंगे तभी तुमसे बात करेंगे, देख लो कैसे नीचे रूस के बैठ गया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, सुनो मेरी बात सुनो। तो फ्रेंड ये बहुत नखरा मार रहा है, तो अभी हम और बात बाद में करेंगे आप लोग से। फिलहाल आज का बात आप लोगों को कैसा लगा, बात बोले तो हमारे दो दिन का जो भी बीता आपके साथ जो शेयर करें। सो अगर हमारा बुग्गू का प्यार आप लोग को अच्छा लगा होगा, बुग्गू जो हमको प्यार करता है, तो एक बार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही हम आपके साथ बहुत सारा अपने वीडियो शेयर करेंगे। कभी कभी हम डीमोटिवेट हो जाते हैं कि हमको कोई मतलब कमेंट नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता, कोई मतलब पता नहीं हमारी वीडियोस को देखता है या नहीं देखता है, तो फिर नहीं ही देखता है मेरे ख्याल से, क्योंकि उतना ज़्यादा व्यूज़ नहीं आता, क्योंकि हम लोग अभी नए नए वर्क करने वाले, तो भाई हम लोग ना तो फेमस हुए हैं और ना ही मतलब कोई हमारा सपोर्ट करते हैं, तो बहुत थोड़ा सा डीमोटिवेट हो जाते हैं। फिर कभी कभी सोचते हैं चलो करते हैं क्या चाहता है, इसलिए क्या अपने लिए ना सही, बच्चों के लिए सही है ना, जैसे मेरा बच्चा पूरा दिन नखरे मारता रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, अच्छा चलो चलो चलो, बाय बोलो, बोलो बाय बाय, अच्छे से बोलो ना, बाय, अच्छे से बोलो बाय फ्रेंड्स, बोलो अच्छे से बाय फ्रेंड्स, नहीं बोलोगे, अच्छा ठीक है उसके बदले हम ही बोल लेते हैं, अच्छा फ्रेंड ठीक है, बाय बाय, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में नए वीडियोस के साथ और बुग्गो के साथ नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। हाँ बोलो बोलो बोलो, ऐसे ही हम लोगों को सपोर्ट, अच्छा तुम कुछ छू दोगे तो फिर बंद हो जाएगा, ऐसे ही हम लोगों को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा वीडियोस पूरा वॉच कीजिएगा, फिर मिलते हैं, बाय बाय।